नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के लिए रवाना हो गए और इस दौरान रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सभी मंत्रियों का कॉल डिटेल निकाला जाए कि आखिर किस तरीके से बिहार के सभी मंत्री जो हैं वो बिहार में उपचुनाव में धांधली करवा सक रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, तेजस्वी यादव दरभंगा रवाना हो गए, रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मंत्रियों का कॉल डिटेल निकालना चाहिए क्योंकि सभी मंत्री जो हैं वो धांधली करवाने में लगे हुए थे। बेकार और बिना मतलब का बात करना हो तो नेता प्रतिपक्ष के इस बात को प्रचारित प्रसारित किया जाए, ये सब बिना मतलब का बात है। उन्हीं से पूछना चाहिए वो दरभंगा आज क्या करने गए। दरभंगा के लोगों को जब उनकी ज़रूरत होती थी तो वो जाते थे, बाढ़ के समय में कहाँ थे? जब लोग संकट के समय में थे उस वक्त दरभंगा क्यों नहीं गए? आज क्या करने गए हैं दरभंगा? क्या मिलने वाला है जो आज वो दरभंगा गए हैं? आप लोग कल धांधली करवा सकते हैं, इसलिए वो वहीं पे मौके पे ही मौजूद रहेंगे ताकि आप लोग कुछ कर नहीं पाइए। ये इसी सरकार के रहते हुए चुना हुआ उनकी पार्टी के 75 विधायक जीत गया है, तो कैसे जीत गए 75 विधायक? तो ये सब बकवास की बातें हैं। इन लोगों को मालूम है कि हार निश्चित होने वाला है, तो हार के पहले रोना गाना अपना शुरू कर दिए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ भी कर लीजिए एनडीए वाले लोग जीतेंगे, तो वही ये यही लोग इस भाषा में बात कर सकते हैं। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको वोट देती है वो जीतता है, जनता ने जिसको वोट दिया है 30 तारीख को वो जीतेगा कल। आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आप लोग जीतेंगे? इसलिए कि जनता ने वोट दिया, हम लोगों ने घूम के देखा क्षेत्र में, जनता बोल रही थी, तो जनता जो बोल रही थी वही जनता ने किया होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के मंत्री जो हैं वहाँ के अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। सब फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं और हार के पहले का क्रंदन है इनका। लालू प्रसाद यादव ने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि भले ही उपचुनाव में हमारा गठबंधन नहीं रहा लेकिन 2024 में कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी को गद्दी से हटाएंगे। ऐसा तो कितना बार लालू जी बोल चुके हैं इसका कोई हिसाब किताब आप लोग के पास भी नहीं होगा। जब भी वो ऐसा दावा करते हैं और जब परिणाम उसके विपरीत आता है तो फिर कल होकर आप लोग कैमरा लेके खोजते रहते हैं, नहीं मिलते हैं, फिर कल के बाद नहीं मिलेंगे कुछ नहीं।